शिवसेना जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, डीएम, एसएसपी व अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र के माध्यम से नकली व निष्कासित पूर्व जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा पर संगीन आरोप लगाए और पत्र के माध्यम से कार्यवाही की मांग की। शिकायत पत्र के माध्यम से अनुरोध है कि इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें। रामेश्वर दयाल तुरेहा, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। इस संबंध में अधिकारियों को लेटर जारी किए गए आज? आज हमने डीएम साहब को, एसएसपी साहब को, मुख्य चिकित्सा अधिकारी साहब को, वरिष्ठ जेल अधीक्षक साहब को, डीआईओएस को एवं पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी को पत्र जारी किए हैं। मैटर ये है कि वर्ष 2016 में एक नकली जिला प्रमुख था अरोड़ा नाम का, उसे पार्टी ने निष्कासित किया है, लेकिन फिर भी वह यहाँ के प्रशासन को गुमराह कर रहा है। व्यक्ति की आड़ में अपने घर पर नकली विभिन्न कंपनियों के नकली बैरिंग बेचता है, सट्टे की खाईवाड़ी करता है, वैश्यवृत्ति का धंधा करता है, टावर लगवाने के नाम पर विभिन्न लोगों से पैसे लेता है, हरियाणा मार कर शराब बेचता है, यहाँ विभिन्न कार्यालयों पर जाकर धरने प्रदर्शन करता है, उनसे अवैध वसूली की डिमांड करता है, एमडी ऑफिस में जाता है, लोगों की झूठी शिकायतें करता है, उनसे अवैध वसूली करता है, बुद्ध बाजार, इंपीरियल तिराहा, कटरा नाज आदि व्यापारियों से, पंजाबियों से शिवसेना का भय दिखाकर उनसे अवैध वसूली करता है, पैसे लेता है, पैसे की डिमांड करता है, रंगदारी मांगता है। सर, इस टाइम मौजूदा में जिला प्रमुख कौन है? मौजूदा नियमानुसार मेरे पास जिला प्रमुख का दायित्व है मुरादाबाद का। सर, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी अपने आप को, उन्होंने दावेदारी भरी थी कि जिला प्रमुख मैं हूँ। क्या करता है वो, नकली लेटर पैड भी छपा लेता है, नकली साइन भी टैली कर लेता है और वो नकली नियुक्ति पत्र तैयार कर लेता है और अपने आप को जिला प्रमुख बताता है। क्या हम इस बात की पुष्टि आप कैसे करेंगे कि असली जिला प्रमुख कौन है? आपके हाईकमान, हमारे हाईकमान से पुष्टि की थी और हमारा लेटर है हाईकमान द्वारा जारी किया गया। उन्होंने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप पर काफी आरोप लगाए थे। वो तो झूठे सच्चे आरोप लगाता रहता है। अच्छा, ये सिलसिला कितने दिन से चल रहा है? ये लगभग 5-6 साल से चल रहा है। जब 5-6 साल से चल रहा है तो पार्टी ने अपनी तरफ से आज तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करी? नहीं, पार्टी ने हमें नियुक्ति पत्र दे दिया है। नहीं, नियुक्ति पत्र देना वो तो एक अलग बात हुई, या तुम्हारा नकली है या उनका नकली है तो पार्टी तय करेगी ना। पार्टी ने आज तक इनके खिलाफ कोई एफआईआर कराई? पार्टी ने एक बार निष्कासन कर दिया। पार्टी की जिम्मेदारी बनती है इनके खिलाफ कोई एफआईआर कराई या नहीं? यहाँ हम यह प्रशासन से कहते हैं, वो कहते हैं आपके पार्टी का मैटर है, आप अपने आप निपटिए। आप अच्छा, किस तरह की कार्रवाई पार्टी करेगी ऐसे लोगों पर? पार्टी ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज कराएगी और एक हमारी लेवल पर बात भी है, एक महीने में यहाँ का पूरा जो यूपी का संगठन है वो पूरा चेंज हो जाएगा, उसके बाद में जो ये कंट्रोवर्सी है ये खत्म हो जाएगी।